नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उधारी के पैसे मांगने पर पति पत्नी ने युवक के साथ की मारपीट। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां करेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राणपुरा गांव में रहने वाले केदार लोधी पुत्र ब्रजलाल लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले उसने गांव के ही राजेश कोहली को उधार पैसे दिए थे। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो राजेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने थाने पर दर्ज कराई है। पर सुनवाई न होने के चलते आज एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं केदार लोधी ने क्या कहा। इंडियन न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। ये तेरा पूरा केदार, पूरा नाम क्या लिखते हो? लोधी। केदार लोधी का क्या नाम है? ब्रजलाल। हैं? ब्रजलाल। ब्रजलाल लोधी माने दो। प्राणपुरा कुटिलेवर। कौन कौन सा लगता है? खरेरा। क्या समस्या लेके आए इस पीओ को? मारा है मेरे को। कौन ने मारा है? राजेश कोहली। हैं? राजेश कोहली। राजेश कोहली कौन है? क्या? कौन है राजेश कोहली? कौन है, कहां पर रहता है? प्राणपुरा ही कुटिलेवर में। तुम्हारे गांव में रहता है? हां। काय के पीछे मारा आपको? पैसा लेना थे 30,000। आपको लेना थे? तो आपने पैसे मांगे? मांगे। तो क्या क्या लगा? दारू पी के आया रात के 10 बजे से, मुझे मारा है घर पे दोनों जने ने। कितने लोग थे वो? बीवी बीवी है दोनों। देवी। तो आप कितने थे? हम अकेला था। मैं। आप अकेले थे? हाँ। थाने में रिपोर्ट डालने गए थे आप? हाँ गया था। मेरी पसंद किया थाने? मेरी कोई नहीं सुनी थी। अच्छा, उसने पैसा दे दिया, वो मेरी नहीं सुनी। जब मैं दिया था आपने थाने पे? मैंने कल लगाया था, मैं यहाँ पे आया। अच्छा, जब ही तो आया। क्या पसंद किया आपको अंदर? अंदर अभी कोई सुनवाई नहीं, अभी तो बाहर ले लिया आपको प्राप्ति। बस